स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फूडिशियल में। मैं हूँ अक्षय तांगड़े। मैं हूँ आदित्य तांगड़े। मैं हूँ सौरभ वीर। और आज की वीडियो भी होने वाली है एकदम हटके। और दोस्तों अभी हम लोग आए हैं कुमार पैसिफिक मॉल पिज्जा ट्राई करने के लिए। तो पहले तो मुझे बताओ कि तुम दोनों ने पिज्जा खाया है? हाँ बहुत बार खाया है भाई। खाया है डोमिनोज का, खाया है पिज्जा खाया है। ऑफ कोर्स यार पिज्जा तो सबने खाया हुआ है। हाँ। मैक्सिकन इटालियन अमेरिकन खाए ऐसे टाइप के। लेकिन तुम लोगों ने कभी भी मशीन मेड पिज्जा खाया है क्या? मशीन मेड? यस मशीन मेड, जिसमें मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं होता। मतलब हमें ना डो बनाने की जरूरत पड़ती है ना कुछ बनाने की। सिर्फ क्या बात करते, पूरा काम मशीन ही करेगी। पूरा काम मशीन करेगी, हम सिर्फ खाएंगे। सिर्फ उसमें डो डालना पड़ता है, वेजिस डालनी पड़ती है और शायद चीज कौन डालता है वो हमें डालना पड़ेगा। हाँ वो मतलब एक्सटर्नल डालना पड़ता है मशीन में, फिर वो मशीन सब कुछ अपने आप बनाती है। हाँ वो तो फिर वो क्या कोड करेंगे क्या कि सब्जी भी बना लो खेती भी कर लो उसमें? ओके ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं और फिर वो अपने आप से पिज्जा पूरा का पूरा 2 से 3 मिनट में बेक करके पूरा का पूरा दे देते हैं। लाइक एन बना देते ना वो, लाइक एन एटीएम मशीन। एनी टाइम पिज्जा एटीपी हो गया लेकिन वो एनी टाइम मशीन फॉर पिज्जा। अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये प्रोसीजर, कैसे कर बनाते हैं वो पिज्जा। तो चलो फिर चलते हैं हम। चलो हम लोग आ गए यहाँ पे पिज्जा एटीएम मशीन। आप पीछे देख सकते हैं कि पिज्जा एटीएम मशीन, और वो एटीएम मशीन दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रही है। मतलब एकदम आप देख सकते हो तो बहुत ही स्टैंडर्ड, मुझे लग रहा है कि हाई रेट्स हो सकते हैं। तो फिर चलो पीछे जाके देखते हैं कि प्राइस क्या है और फिर पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं वो मशीन मेड पिज्ज़ा एक्चुअल में कैसा होता है, कि क्या क्या डालना पड़ता है उसमें, क्या क्या नहीं डालना पड़ता, फिर देखेंगे उनसे बात करके देखेंगे। चलिए फिर और दोस्तों ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। आपको जो भी पिज्ज़ा चाहिए वो सिलेक्ट करो, फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करो, उसके बाद सबमिट पे प्रेस करो और आपकी ऑर्डर हो चुकी है कंफर्म। और ये हमारे पिज्ज़ा मशीन में बेक हो रहे हैं। और ये देखिए ये आ चुका है हमारा वेजी ब्लास्ट पिज्ज़ा, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और ये हमारा डिलीशियस पनीर टिक्का पिज्ज़ा बेक होकर सर्व करने के लिए हो चुका है तैयार। और ये हमारे पिज्जास हो चुके हैं पैक और अब टाइम है इन्हें टेस्ट करने का।
आपका क्या कहना है इससे? स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है। एक मिनट, वो हमारे दोनों भी पिज्ज़ा आ चुके हैं और स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है, बहुत ही बढ़िया। इसकी प्रोसीजर मैं बताता हूँ, वो क्या करते हैं, पीछे से ही पूरा का पूरा पिज्ज़ा डालते हैं शायद से, और सिर्फ वो अवन से बेक होके आगे आता है और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर देते हैं ना, वो मुझे लगता है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, बाकी पेमेंट वगैरह तो हमें साइड में ही करना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दिया कि मतलब क्या डाल रहे हैं। हाँ, मतलब वो आई थिंक कि वो पूरा रेडीमेड पिज्ज़ा ही पीछे से डाल देते हैं और आगे से सिर्फ बेक होके आता है। सिर्फ ऐसा फील आता है कि वो ATM पिज्ज़ा है। उससे थोड़ा फर बेटर है, मतलब एटलीस्ट वेजी पिज्जा तो मतलब इतना मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन नॉट बैड वाला। हाँ, ठीक ठाक है, मतलब 10 में से 5 रेटिंग है। या 6-7। हाँ, लेकिन चलो पनीर पिज्जा ट्राई करते हैं, देखते हैं, पनीर टिक्का ट्राई करते हैं भाई। तो सिर्फ ब्रेड ही खाया मैंने, तो जैसा ही मुझे लगा। इतना कुछ अच्छा नहीं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आ रहा है इसका। हाँ, इसके सिर्फ अभी अरे ठीक है, टेस्ट भी बट मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन थी उससे तो अच्छा ही है। मतलब जो मशीन में बन रहा है पिज्जा चाहिए, मुझे मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी। क्यों है, मशीन बना रहा है वो पिज्ज़ा। हाँ, वो भी है कि मशीन में और ह्यूमंस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो एज पर टू यू इट्स बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड? मैं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब डोमिनोज तो टक्कर नहीं दे पाया, बट अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। आई ऑल्सो गिव इट रेटिंग 6 or 7 हो चुकी है हमारी खत्म। नहीं इधर खत्म जी, इसी के साथ वीडियो कॉपी करते हैं खत्म। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। एकदम लाइव में चले। ओके, तो दोस्तों खत्म हो चुकी है हमारी पिज्जा पार्टी। तो फिर कैसा लगा था, कैसा रहा था, कैसा था एक्सपीरियंस? ठीक था, वैसे अच्छा था एक्सपीरियंस। मुझे तो लगा नहीं था कि मतलब ATM पिज्जा मतलब मशीन को इतना अच्छा पिज्जा बना सकते। यस, अगर ये कंसिडर किया जाएगा कि मशीन मेड पिज्ज़ा है तो बहुत ही बढ़िया था। अगर कोई ह्यूमन बना था तो आई वुड हैव सेड दैट नो, आई एम नॉट गोना ट्राई दिस अगेन, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मतलब नॉट बैड वाली फीलिंग थी, 10 out of 7 इज नॉट बैड। और डोमिनोज को टक्कर देने वाला है पिज्ज़ा ही। वैसे ATM मशीन ट्राई कीजिए एक बार। हाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा है, मतलब कुछ अलग करने का एक्सपीरियंस है इसमें। थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं मुझे लगता है। हो सकते हैं, यस। और मतलब इनके हिसाब से तो ये इंडिया का फर्स्ट ATM मशीन है। इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन पुणे का तो ये फर्स्ट ATM मशीन है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है गाइस, लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अगर आपको ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। यस, ट्राई इट, गिव इट अ, कुछ नया करना, गिव इट अ ट्राई। तो चलो फिर इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। अब बोल खत्म। इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। ये आ गए हमारे ओरिगानो।
और ये ऊपर से गए चिली फ्लेक्स, और ये चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो में पिज्जा के ऊपर युद्ध होते हुए चलिए खाते। इट्स बेटर देन डोमिनो। अब हिंदी बोल, अभी अपने गर्लफ्रेंड को मिस करते हुए आदित्य चल रहे Ha ha ha!